नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका अभिमन्यु वाइएस में एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑन द यूट्यूब इन विच आई डील विद द पॉलिटी कंसेप्ट एंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ पॉलिटी विच आर वर्दी टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जाम्स परसपेक्टिव तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नया कंसेप्ट रिपब्लिक वर्सेज मोनार्की राइट इन दोनों टर्म्स का क्या इम्पोर्टेंस है क्यों इन्हें समझना ज़रूरी है एंड होती क्या है सो so, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे सो लेट्स सी एंड बिफोर आई स्टार्ट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वी आर टारगेटिंग द सिविल सर्विस एग्जाम फॉर द 2023 एंड 24 इन व्हिच आई विल बी डीलिंग द इंडियन पॉलिटी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एंड दिस कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड आल्सो so those students who want to join it the number is available on the screen and the link to join is also available in the description box so without wasting time let's move on our topic first what is the meaning of republic right republic hota kya so here is it is a system of government where the head of the state like we have the president

indirectly elected president which is the head of the state and in the US we have directly elected head of the state that is the president of United States of America. Then second thing rule of law and justice is prevalent. a believed that in a republic country hoti hai, there lies the rule of law, the constitutionalism, everything works as per the legal sense. Everyone follows law.

हर पाँच साल में इलेक्शन होते हैं राइट right? और उनको वोट्स मांगने होते हैं सो वाई दे आर डिमांडिंग वोट्स टू गेट अथॉरिटी दे गेट अथॉरिटी बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल व्हेन वी गिव देम वोट्स जब हम लोगों को वोट्स देते हैं जब उनको हम गवर्नमेंट में बिठाते हैं एज आ रिप्रेजेंटेटिव सो वी प्रोवाइड देम अथॉरिटी एंड दैट इज़ अथॉरिटी विच इज़ गिवन बाई द पीपल राइट एंड दिस ओनली लेजिटिमाइज दैट गवर्नमेंट्स रूल अगर कोई नहीं दे रहा है अगर पूरा देश किसी पार्टी को वोट नहीं देता है सो दैट पार्टी डो नॉट कम इन टू द पावर विच सिंपली मीन्स दैट दैट पार्टी डो नॉट गेट्स अथॉरिटी टू गवर्न देन वेर कॉन्स्टिट्यूशन हैज द हाइस्ट पावर कॉन्स्टिट्यूशन राइट कॉन्स्टिट्यूशन हैज द हाइस्ट पावर एवरी थिंग इज हैपनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दो देर आर न्यूमरस लोज लाइक नेचुरल लो पॉजिटिव लो कल्चरल लोज वो सारे लो जो होते हैं हमारे धार्मिक लोग होते हैं हमारे कस्टमरी लोग होते हैं हमारे ट्रेडिशनल लोज होते, लो होते, लो होते हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा वो सुप्रीम रहेगा अगर हमारे ट्रेडिशनल लॉ में कोई दिक्कत है तो वो कैसे पूरी कैसे हम उसका छुटकारा पाएंगे उससे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल इट्स राइट सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज़ द कंपोनेंट ऑफ रिपब्लिक देन एग्जांपल इज इंडिया व्हिच इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री इसका मतलब ये कि ये सारे जो रिपब्लिक के प्रिंसिपल्स हैं ये तो है हैं ही हैं but it is also a democratic republic which is where the with the government is created by the people for the people and of the people which simply means ki jo bhi sarkar banti hai wo logo ke liye banegi logo se banegi aur logo ke hit mein kaam karegi right तो सारी चीजें डेमोक्रेसी यही कहती है and uh, one more thing कि people are having the power to disobey the government also in democracy आप गवर्नमेंट को डिसोबे कर सकते हो राइट आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो राइट सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू सो दैट इज वाई इंडिया इज होल्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अलोंग विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री राइट इट इज ऑल्सो मैंशन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है और जो उसकी प्रियम्बल है द इंट्रोडक्शन ऑफ द समरी वी कॉल आर प्रियम्बल सो इन आर प्रियम्बल इट इज दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री वेयर नॉट ओनली द डेमोक्रेसी इज प्रेंट वेयर आल् लाइज अ रूल ऑफ लॉ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल आर ड्राइविंग अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट इज ड्राइविंग इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल एंड दिस इज यू नो कलमिनेट्स

और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर सिस्टम प्रिवेलेंट है लेकिन हम मेनली ब्रिटेन को देख रहे हैं तो इन ब्रिटेन वी हैव दीज राज एंड रानीज व किंग क्राउन्स प्रिंसेस तो अभी ये है इनके बाद इनके बच्चे आएंगे फिर उनके बच्चे आएंगे तो एक परंपरागत सो द वर्ड लीन जिससे परंपरागत रूप से राजशाही चली आना इसको बोलते हैं मोनार की राइट right? कि पहले एक राजा आया उसके बाद उसका लड़का आया उसके बाद उसका लड़का आया सो so एक परंपरागत और परिवारवाद की जो राजशाही है वो चले उसको बोलते हैं मोनार्की राइट इट हैज हैजू वेरिएशन दो तरीके की होती है फर्स्ट डिक्टेटोरियल मोनारकी ना ऑफ द ब्रिटेन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटोरियल डिक्टेटोरियलारकी द मीनिंग ऑफ डिक्टेटोरियल मोनारकी इज वेयर द डिक्टेटरशिप रंस यानी यहां पर इन ब्रिटेन आई विल टेल यू कि द रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो प्रेवेलेंट

डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेवेलेंट डिस्पोर्टिक रूल मतलब राजा चाहे तो किसी को भी मार सकता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी राइट सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्पोर्टिक और डिक्टेटोरियल मुनार की जहां पर डिक्टेटरशिप है राइट वे द डिस्पोटिक रूल टेक प्लेस एज आई मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्मेंट एंड गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द ह्यूमन इंटरेस्ट वो किसी को भी मार सकते हैं वो किसी को भी साथ भी कुछ भी कर सकते हैं एंड दैट इज वाई दे आर अगेंस्ट ह्यूमन इंटरेस्ट लेकिन जो सेकेंड वेरिएशन है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक ब्रिटेन एज आई दैट द द हेड ऑफ स्टेट दे आर द हेड ऑफ द स्टेट दे आर हायरकली अपॉइंटेड ये परिवारवाद की राजशाही चली तो आ रही है बट गवर्नमेंट रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द यू नो द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटेन इज हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ब्रिटेन ओनली ब्रिटेन के जो आम नागरिक हैं उन्होंने उनका वोट दिया और उन्होंने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया उनको गवर्न करने के लिए तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इन द मोनार्की इट वी हैव टू टाइप ऑफ वेरिएशन वेयर इज डिक्टेटोरियल मोनार्की एंड सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देन इट वर्कस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स मेंटेन रूल ऑफ लॉ ह्यूमन राइट्स डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल एंड रिप्रेजेंट पॉपुलर सोबरानिटी इन सारी चीजों का मतलब यही है कि देर इज रूल ऑफ लॉ कानून के हिसाब से काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है दो इन ब्रिटेन इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टिल दे हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आल्सो राइट देन वहां पर जो गवर्नमेंट है इट इज डिराइविंग देयर अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल राइट उसके बाद पॉपुलर सोवरेनिटी के हिसाब से काम होता है विच मीन्स विल ऑफ द पीपल वन इंडिविजुअल और एक आदमी की इच्छा से उसको गवर्न किया जाए और जब सारे ही आदमी इकट्ठे होकर कहें कि हमारी यही इच्छा है कि इस तरीके से हमें गवर्न किया जाए उसको बोलते हैं पॉपुलर सग्रैनिटी यानी एक आदमी बोले तो कॉमन और सब बोले तो पॉपुलर यानी पॉपुलर सग्रैनिटी राइट कि पूर्ण सम्प्रभुता के हिसाब से जो है हमें आप गवर्न करें एंड दैट इज वॉट इज शोइंग इन द ब्रिटेन इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनाकी